और इस वक्त बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेने चलेंगे। पॉल्यूशन का लेवल है, आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर वेरी पुअर 310, एक के बाद एक चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362, हाजीपुर 367, हापुड़ 351, हिसार 365। आप इस कागज को पढ़ते चाहिए, चाहे झुंझुनू हो, चाहे जींद हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, आज देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और केंद्र सरकार क्या कर रही है। अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी, वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया, और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की घटनाएं हो चुकी हैं, मात्र 8,404 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। लेकिन आप बाकी राज्यों के आंकड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहां पिछले साल 1533 फार्म फायर्स हुई, वो इस साल बढ़ के 1926 पहुंच गया। राजस्थान में पराली जलाई जा रही है, जहां 2020 में राजस्थान में सिर्फ 430 के करीब पराली जलाने की घटनाएं थी, वो इस साल 2024 तक 1926 पहुंच गया है। और अगर आज देश भर में कहीं सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है, वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 17 नवंबर तक 9,600 पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, यानी रोज 700 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं।